साथ अरिंदम जहां से एक बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय कोटा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जनसुनवाई की है और हर समस्या के समाधान करने का आश्वासन भी दिया। तो वही डीएपी और यूरिया की कमी को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेंद्र भरद्वाज ने। दौरे पर कोटा पहुंचे हैं और कोटा पहुंचने के बाद में जो उनका कार्यक्रम है, आज ही जो कार्यक्रम है वो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जो आज का दिन है वो सामाजिक सरोकार के साथ गुजरेगा। साथ में सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब भी कोटा पहुंचते हैं तो लोगों के साथ जो जनसुनवाई का उनका कार्यक्रम का दौर रहता है वो यहाँ पर चल रहा है। लोकसभा कैंप कार्यालय शक्तिनगर पर यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और लगातार लोग अपनी फरियाद यहाँ पर बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं सर। सर जनसुनवाई का दौर चल रहा है सर, हमेशा जनसुनवाई करते हैं सर। इस बार सर जो खाद की है उसकी काफ़ी कमी आई थी और खाद के लिए आपने प्रयास भी किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीएपी यूरिया का थोड़ी कमी आई थी, लेकिन वापस बात करने के बाद सप्लाई चेन को ठीक व्यवस्थित जमाया है, अभी कोई ऐसी कमी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ भी कमी थी वहाँ पर डीएपी यूरिया भिजवाया है। मेरा किसानों से आग्रह है कि वह अनावश्यक इकट्ठा न करें, डीएपी यूरिया की कोई कमी नहीं आएगी, पर्याप्त व्यवस्था है। सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि डीएपी यूरिया की कोई कमी नहीं आएगी। इसके साथ सर जो दुकानदार हैं वो डीएपी यूरिया के साथ और भी माल बेचने के लिए किसानों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास भी अटैचमेंट की एक शिकायत आई है और मैंने आग्रह किया है कंपनी वालों को भी और विशेष रूप से एग्रीकल्चर अधिकारियों को कि वह किसी भी सूरत में अटैचमेंट देने का दबाव किसानों पर न बनाए। जो उनको खाद बीज जो लेना वही ले, अनावश्यक दबाव न बनाए। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, बहुत कम समय आज कोटा के लिए, फिर भी सुबह से सर जनसुनवाई का दौर जारी है। जब भी मैं आता हूँ, मेरा परिवार है कोटा बूंदी, मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ, संवाद करूँ, ताकि चर्चा संवाद से जो बातें निकल कर आती है उसकी समस्या का समाधान करें। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो लोगों की फरियाद और लोगों की पीड़ा सुनना मेरा पहला कर्तव्य है। डीएपी यूरिया की अगर बात की जाए तो हाड़ोती में काफ़ी कमी आई थी और कमी के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने असमंजस बिठाकर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में डीएपी यूरिया की जो रेक है यहाँ पर भिजवाई थी। फिर भी कुछ काफ़ी परेशानियाँ आ रही है जिनको हल करने का प्रयास लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा।